जानना चाहूँगी। सर, हमारा नाम विनोद कुमार राजभर है। मैं पालघर जिले का जिला अध्यक्ष प्रदेश अध्यक्ष जी के माध्यम से आज नियुक्त मैं हुआ हूँ। और हम युवा जनरेशन है और आप लोग मीडिया के माध्यम से हम बताना चाहते हैं कि आज देश में युवा इतना आगे बढ़े हैं पॉलिटिकल को लेकर के, क्योंकि हम जो मतदाता युवा वर्ग है बहुत बढ़िया मतदान के में लगा रहता है और देश के प्रति भी लगा रहता है, उनकी भागीदारी उनको मिलनी चाहिए, ये सोच करके युवा वर्ग आज आगे है। और हमारी सोच है कि आज हमें जिला अध्यक्ष बनाया गया है तो हमारे पालघर में जितनी विधानसभा होगी, या तो 6 है या तो 5 है, वो सारी विधानसभा पे हम तैयारी कर रहे हैं और आने वाला जो विधानसभा होगा उस पर हम प्रत्याशी उतार करके। आपको अगर पार्टी ने आपको चुना है जी, तो आप पार्टी के लिए क्या करेंगे? आप एक नेता बनना चाहते हैं कि हाँ मैं जीत कर आऊँ, मैं एक नेता बनकर एक पद लेकर चलूँ, या फिर जनता के लिए काम करने की भी सोच रखते हैं? जी, मैं जनता के सेवा के लिए राजनीति में आया हूँ और हमारे जो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, माननीय उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं, उनकी सोच रही है कि हमेशा पिछड़ों की आवाज़ उठाते हैं। आप लोगों ने देखा होगा मीडिया के माध्यम से पूरे उत्तर प्रदेश में 47 कैबिनेट हैं, जिसमें हमारे पहले पार्टी से 4 MLA हैं भारतीय स्वदेश समाज पार्टी से, और पूरे उत्तर प्रदेश में नहीं पूरे हिंदुस्तान में बैकवर्ड को एक करने के लिए बात करते हैं, पिछड़ों को उनके हक दिलाने के लिए बात करते हैं। और आने वाले समय में और मंत्री जी बेहतर करेंगे, अगर उनको जिम्मेदारी मिलेगा तो करेंगे। और हम महाराष्ट्र में भी तन मन धन से काम कर रहे हैं, हमारी पूरी कमेटी लगी हुई है यहाँ पर, और हम आपको रिजल्ट देंगे आने वाले विधानसभा में, हमें कोई रोक नहीं सकता। आपको